से बोल रहा है उसी तरीके से भीषण के अंदर भी राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाए और इसमें अग्रणी रहे और उसी को देखते हुए आज जयपुर समेत जिलों के अंदर ड्राई रन का प्रोग्राम उसने रखा है और ड्राई रन के अंदर आज जोधपुर के अंदर एक तो जहाँ खड़े शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी और एक शहरी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना ये दो सेशन साइट्स इसमें चूज़ की गई है 25 बेनिफिशरीज इसमें एलोकेट किए गए हैं और उन बेनिफिशरीज को देखते हुए जो हमारा संपूर्ण प्रोसेस है केवल उसमें वैक्सीन नहीं लग रही है उसका अभ्यास किया जा रहा है लेकिन बाकी सारा प्रोसेस इसके अंदर फॉलो हो रहा है और उस प्रोसेस में कहाँ कमी रह रही है कहाँ या हम इसको और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं। सर किन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी गई है? देखिए प्रथम चरण जो है प्रथम चरण में निश्चित रूप से जो हमारा गाइडलाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका डेटा अपलोड किया गया है और उसी को हेल्थ केयर वर्कर्स को इसके अंदर काफ़ करता है। बेसिकली मुझे जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कितना समय लग रहा है, जो आने वाले लोगों हैं उन्हें क्या सुविधा मिली है, यहाँ पे किस तरीके से सहायता प्रदान की जा रही है, तो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के लिए हमें यहाँ पे लगाया गया है। एंड जैसा कि यहाँ पे पूरा अभी देखा मैंने तो काफ़ी संतोषप्रद व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पे पूरा एरो मार्क है, हर पर्सन को ड्यूटीज असाइंड है एंड इसके अलावा जो लोग हैं उन्हें पूरा सेशन एलोकेट किया हुआ है जिससे कि कोई भी किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो अंदर जाके, और जैसे ही ड्राई रन खत्म होगा तो और बारीकी से एक बार इसका हम आकलन करेंगे कि क्या क्या इस व्यवस्था के सुधार की जरूरत है। जी आज के दिन दो जगह पर ड्राई रन हो रहा है जिसमें आज 25 लोगों का यहाँ पे और 25 लोगों का बनाड भी हो रहा है, तो इस तरीके से आज 50 लोगों का कुछ ड्राइविंग हो रहा है, 3 घंटे का यहाँ पे समय आवंटित किया गया है।